बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारिक ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए और आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की तमाम उम्मत को खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा अमल लेकर हाजिर खिदमत है, रूहानी इलाज। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करे और आपसे मोहब्बत करे, दुश्मन आपके दोस्त बन जाएं, नफ़रत करने वाले मोहब्बत करने लगें? अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ भी सब ये प्यारे मामलात हो जाएं, तो प्यारे नाज़रीन आपने रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 101 मर्तबा या अज़ीज़ु या मुईज़ु पढ़ें और रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह इस प्यारे इस्मे आज़ब के विरद से जो बंदा आपसे नफ़रत करता है या आपको देखना पसंद नहीं करता या आपसे मोहब्बत नहीं करता या घर में कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता या बाहर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, प्यारे नाज़रीन आपने ये प्यारा अमल पढ़कर 101 बार या अज़ीज़ु या मुईज़ु पढ़कर 3 बार दुरूद पाक पहले अव्वल आखिर पहले पढ़ना है, फिर 3 बार बाद में पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर वो हाथ अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। उसके बाद ये रोज़ाना आप अमल करें, इंशाअल्लाह जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते या आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो खुद ब खुद अल्लाह तबारक ताला के इसमें आज़म की बरकत से आपके दीवाने हो जाएंगे। दुश्मन की नज़र भी अगर आपके चेहरे पर पड़ेगी तो वो भी आप पर मेहरबान हो जाएगा। अगर किसी को दफ्तर में कोई उसका बॉस या उसका सर तंग करता हो या नापसंद करता हो, तो वो मेरा प्यारा बहन भाई ये अमल मुबारक कर अपने हाथों पर फूंक मारकर और हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें, उसके बाद आप अपने दफ्तर जाएं। इंशाअल्लाह जैसे ही आपके चेहरे पर नज़र पड़ेगी वो आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाएगा। अगर किसी बहन भाई की औलाद उसकी इज़्ज़त ना करती हो तो वो रोज़ाना ये अमल करे, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला औलाद उसकी फरमा बरदार हो जाएगी। बल्कि नाज़रीन इस प्यारे अमल की बरकत से आपके चेहरे की बीमारियाँ यानी स्याहियाँ हैं या दाने हैं या आपकी रंगत काली है, ये अमल रोज़ाना किया करें किसी भी नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह कुदरती तौर पे अल्लाह ताला अपने इसमें आज़म की बरकत से आपके चेहरे में नूर अता फरमाएंगे और आपके चेहरे की तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही प्यारा रूहानी अमल है, जिसने भी किया है बहुत शफा पाई है और अल्लाह तबारक ताला के इसमें आज़मों में तो वैसे ही बेशुमार शफाएँ पोशीदा हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, मगर अफसोस कि हम करते ही नहीं। जिस मेरे बहन भाई के साथ चेहरे की जिल्द का जो भी मसला हो तो वो ये अमल रोज़ाना करें, चंद ही दिनों में आप ख़ुद महसूस करेंगे कि लोग आपको कहना शुरू कर देंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका चेहरा इतना खूबसूरत हो गया। तो प्यारे नाज़रीन अल्लाह ताला के इसमें आज़म के सदक़े आपके चेहरे पर नूरानियत ज़ाहिर होने लग जाएगी और तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपसे मोहब्बत नहीं करते या आपसे नफ़रत करते हैं, वो सब आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी कदर करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। जो मेरा बहन भाई अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहता है वो ये प्यारा अमल करे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की इसमें आज़म की बरकतें समेटे कि अल्लाह तबारक ताला की इसमें आज़म में हमारे लिए बहुत शफाएँ हैं। तो प्यारे नाज़रीन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्यारे अमल पे आप ज़रूर अमल करेंगे और दुनियावी और आखरत के फ़ायदे हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन दुआओं में याद रखा करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह किया करें और इस वीडियो को अल्लाह ताला के इसमें आज़म मुबारका को सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें ताकि प्यारे नाज़रीन इस्लाम और दीन अल्लाह ताला की इसमें आज़म कुरान पाक की सूरत मुबारक
दुनिया के पूरे कोने कोने में फैल जाए। यानी क्या, आए हम सब मिलकर दीन की रोशनी फैलाएं, दीन का बोलबाला करें। तो प्यारे नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।